अदिति अशोक टोक्यो ओलंपिक में ऐतिहासिक मेडल से भले ही चूक गई, मगर इसके बावजूद उन्होंने इतिहास रच दिया है। वह एक शॉट से मेडल से चूक गई और टोक्यो ओलंपिक में चौथे स्थान पर रही। इस ओलंपिक में अदिति ने मुकाबले की शुरुआत से ही अपना दबदबा बनाए रखा था, मगर चौथे राउंड में आखिरी के होल्स में, खासकर 17वें और 18वें होल में वह लय से भटक गई। भले ही वह देश को मेडल नहीं दिला पाई, मगर भारतीय गोल्फ के इतिहास में अपना नाम जरूर दर्ज करवा लिया है। यहाँ तक पहुँचना भी उनके लिए बिल्कुल आसान नहीं था, क्योंकि कुछ महीने पहले ही उन्हें कोरोना हो गया था। अदिति के अनुसार कोरोना के कारण उन्होंने अपनी असली ताकत भी खो दी थी। अदिति ने तीसरे दिन का खेल खत्म होने के बाद कहा था कि कोरोना की चपेट में आने के बाद उनकी ताकत कम हुई, जिससे उनका खेल भी प्रभावित हुआ है। अदिति वीजा से संबंधित काम के लिए मई जून में भारत आई थी, तो इस दौरान वह कोरोना की चपेट में आ गई थी। उन्हें 2 सप्ताह से अधिक समय के लिए वहीं रहना पड़ा। उनके अनुसार कोरोना के कारण उनकी ताकत कम हुई। लंबी दूरी के होल में उनका शॉट काफी पीछे रह जा रहा था, जबकि पहले भी होल से दूर रहता था, लेकिन इतना दूर कभी नहीं था। उन्होंने बताया कि जो होल अधिक दूर है, वहां खेल में निरंतरता बरकरार नहीं रख पा रही हैं। पहले दौर की तुलना में तीसरे दौर में उनकी पुटिंग अच्छी नहीं थी।